तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि इजराइल हमास जंग पर हिजबुल्ला चीफ ने अल्लाह की कसम खाकर इजराइल को तबाह करने का किया ऐलान। कहा जंग में मिलेगा इजराइल अमरीका को जवाब, जीत होगी हमारी, हारेगा इजराइल। इजराइल हमास जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बदले सुर, अमेरिका में मुसलमानों का खुलेआम साथ देने का किया ऐलान, इजराइल को लगेगी मिर्ची। सांपों की तस्करी करने के मामले में तीन राज्य में एल्विस यादव की तलाशी के लिए अभियान हुआ शुरू। यूपी सरकार के मंत्री बोले कानून सबके लिए बराबर, एल्विस यादव को डालेंगे जेल में। इजराइल हमास जंग में जॉर्डन ने भी इजराइल से तोड़ा नाता, कहा गाजा में निर्दोषों को बनाया जा रहा है शिकार, वापस बुलाया अपना राजदूत। फिल्म तेजस के फ्लॉप होने के बाद कंगना रनावत ने दिए चुनाव लड़ने के संकेत, कहा प्रभु की कृपा रही तो लड़ूंगी लोकसभा का चुनाव। सिर पर कफन बांधकर हमास के समर्थन में उतरे मौलाना मदनी, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कह दी बड़ी बात। अमेरिका की सरकार ने इजराइल को 14.3 अरब डॉलर की सहायता देने का विधेयक पास किया, तो अब सीनेट में हो रहा है विरोध, लोग बोले इन्हीं पैसों से फिलिस्तीनियों की करेगा इजराइल हत्या। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हमास जंग पर हिजबुल्ला चीफ ने इजराइल अमेरिका पर बोला बड़ा हमला, कहा अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं इजराइल अमेरिका को मिलेगा जल्द जवाब, जंग में होगी हमारी जीत। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास जंग के बीच हिजबुल्ला चीफ हनस नसरुल्ला ने इजराइल अमेरिका पर बड़ा हमला बोला है। जंग पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मैं अल्लाह की कसम खाकर कहता हूं जल्द इस जंग में इजराइल अमेरिका को जवाब मिलेगा और इस जंग में जीत हमास और हिजबुल्ला की होगी और इजराइल अमेरिका इस जंग में हारेंगे। उन्होंने कहा कि अगर जंग आगे भी चलती है तो मैं उन सभी देशों का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने इजराइल के खिलाफ जंग में हमारा साथ दिया। उन्होंने कहा कि इस जंग में जो भी मुसलमान शहीद हुए हैं वो शहीद नहीं बल्कि उन्होंने अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी दी है और अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करेगा। उन्होंने इराक और यमन की फौज का भी शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने कहा कि यमन और इराक की फौज ने हिजबुल्ला और हमास का खुलकर साथ दिया और इजराइल के खिलाफ हमें हथियार दिए और हमारे साथ अभी भी ये दोनों देश खड़े हुए हैं। इसी बीच उन्होंने अमेरिका का हाथ इस जंग के पीछे बताया और कहा कि अमेरिका इजराइल से मिलकर हमको लड़वा रहा है और इजराइल को तबाह करवा रहा है। उन्होंने कहा कि इजराइल को अब किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा और हम जीत की ओर बढ़ रहे हैं। तो हनस नसरुल्ला ने यह बड़ा बयान दिया है जिससे इजराइल अमेरिका की चिंता बढ़ गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सांप तस्करी के मामले में तीन राज्य में एल्विस यादव की तलाशी के लिए अभियान। यूपी सरकार के मंत्री ने कहा कानून सबके लिए बराबर, जल्द एल्विस यादव को करेंगे गिरफ्तार। दोस्तों आपको बता दें कि बिग बॉस ओटीटी 2 विनर और यूट्यूबर एल्विस यादव और उनके 5 अन्य सहयोगियों पर सांपों की तस्करी के मामले में FIR दर्ज नोएडा में की गई है। नोएडा पुलिस ने ये FIR दर्ज करके एल्विस यादव की गिरफ्तारी के लिए तैयारी कर ली है। पुलिस ने इनके पास से 20 ml सांप का जहर, 9 जहरीले सांप भी बरामद हुए हैं जिनका इस्तेमाल रेप पार्टियों के लिए किया जा रहा था। उनके खिलाफ वन्य जीव संरक्षण से जुड़े मामले के तहत कार्रवाई की गई है। वहीं पुलिस का कहना है कि वह एल्विस से संपर्क नहीं कर पा रही है। एल्विस की तलाश में पुलिस की टीम छापेमारी कर रही है। फिलहाल 3 राज्यों में छापेमारी चल रही है। पुलिस ने बताया है कि इनके पास से जो जहर बरामद हुआ है उसे जांच के लिए SSL के पास भेजा जाएगा। पुलिस को इनके पास से 5 कोबरा, 1 अजगर, 1 2 मुंह वाला सांप और 1 रेट स्नेक बरामद किया है। पुलिस ने इन सभी सांपों को अपने कब्जे में ले लिया है और एल्विस यादव की धरपकड़ जारी है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है कि जो है एल्विस यादव जल्दी गिरफ्तार होने वाला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो इजराइल हमास जंग के बीच बदले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के तेवर, मुसलमानों का साथ देने का किया ऐलान। दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के तेवर बदल गए हैं जिससे इजराइल को बड़ा झटका लग सकता है। दरअसल आपको बता दें कि इजराइल और हमास की जंग में फिलिस्तीनी मुसलमानों के खिलाफ इजराइल का साथ देने वाले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने खुलकर अमरीकी मुसलमानों का साथ देने का
का आज ऐलान किया है। उनके इस बयान से इसराइल की चिंता बढ़ गई है। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अमेरिका में अगर कोई भी मुसलमानों के साथ भेदभाव करता है इसराइल हमास युद्ध को लेकर, तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और किसी भी कीमत पर मुसलमानों के साथ अमेरिका में भेदभाव नहीं होने देंगे। वहीं आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन ने गाजा पट्टी में मानवीय सहायता पहुंचाने का भी ऐलान किया है और अब नरम तेवर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडन के पड़ते जा रहे हैं, जिससे इसराइल की भी चिंता बढ़ती जा रही है क्योंकि मुस्लिम कंट्री लगातार अमेरिका के खिलाफ खड़ी हो रही हैं, रूस और चाइना का रुख कर रही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सिर पर कफन बांधकर हमास के समर्थन में उतरे मदनी, प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कही बड़ी बात। दोस्तों आपको बता दें कि जमीते उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी हमास के समर्थन में खुलकर बयान देते नजर आ रहे हैं। उन्होंने हमास को दहशत गर्दों से मुकाबला करने वाला बताया। जब उनसे पूछा गया कि हमास को लेकर कहा जा रहा है कि वो एक दहशत गर्द तंजीम है, इस सवाल के जवाब में मदनी ने कहा कि दहशत गर्द आप कह रहे हैं, अपने हक के लिए जान देने के लिए आज दुनिया के अंदर कोई ताकत ऐसी नहीं है जैसे उन्होंने अपने सिर से कफन बांध कर बड़ी ताकत के साथ लड़ाई लड़ी है। इसराइल की सूरत ये है कि दुनिया का जो असला अमेरिका के पास है वो इसराइल के पास भी है। दुनिया ने देखा कि अमेरिका के राष्ट्रपति आकर हाथ मिला रहे हैं, अमेरिका खुलकर कह रहा है कि हम तुम्हारे साथ हैं। मदनी ने कहा कि इसके बावजूद जो निहत्ती ताकत अपने सिर पर कफन बांधकर आए हैं उसे दहशतगर्द कैसे कह सकते हैं, जमीन उनकी है, वो बस रह रहे हैं। इसराइल ने उनको अपना गुलाम बना रखा है, सुबह को जाते हैं शाम को कमाकर आते हैं और वो अपने बच्चों को खिलाते हैं। इस माहौल के अंदर उन्होंने जंग की है, अपने सिर पर कफन बांधा है, ये दहशतगर्द नहीं है, ये दहशतगर्दों से अपना हक छीनने वाले हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जॉर्डन ने इसराइल से तोड़ा नाता, कहा गाजा में निर्दोषों को बनाया जा रहा शिकार, वापस बुलाया अपना राजदूत। दोस्तों आपको बता दें कि गाजा में जारी लड़ाई के हमले के बाद जॉर्डन ने भी बड़ा कदम उठाया है। अमेरिका के एक अहम सहयोगी जॉर्डन ने इसराइल से अपना राजदूत वापस बुला लिया है। इतना ही नहीं, जॉर्डन ने इसराइल के राजदूत को भी अपने देश से बाहर जाने को कह दिया है। जॉर्डन के विदेश मंत्री की ओर से कहा गया है कि गाजा पर उग्र इजरायली युद्ध की अस्वीकृति और निंदा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इसराइल निर्दोषों को मार रहा है। जॉर्डन ने इसराइल के विदेश मंत्रालय से कहा कि वह अपने राजदूत रोजेल रचमन को बता दें कि वे वापस अपने देश लौट जाएं। जॉर्डन की ओर से बयान आया है कि राजदूत की वापसी इसराइल द्वारा गाजा पर अपना युद्ध रोकने और उसके कारण होने वाली मानवीय तबाही और उसके सभी कदमों को रोकने से जुड़ी होगी, जो अपनी जमीन पर सुरक्षित और स्थिर रहने के लिए फिलिस्तीनियों को उनके भोजन पानी दवा और उनके अधिकारों से वंचित करते हैं। दूसरी तरफ इजराइल की ओर से भी इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तेजस फिल्म फ्लॉप होने के बाद कंगना रनावत ने दिए चुनाव लड़ने के संकेत। जी दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनावत इस समय काफ़ी विवादों में पड़ी हुई हैं क्योंकि उनकी फिल्म तेजस बुरी तरह से फ्लॉप हुई है। तेजस फिल्म के फ्लॉप होने के बाद कंगना रनावत ने चुनाव लड़ने की बात कही है। कंगना रनावत ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अगर प्रभु श्री कृष्ण की कृपा रही तो वह जरूर चुनाव में उतरेंगी। इसके साथ ही कयास तेज हुए कि लोकसभा चुनाव में भाजपा उन्हें उम्मीदवार बना सकती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अमरीकी सदन में इजराइल को 14.3 अरब डॉलर की सहायता देने का विधेयक पास हुआ, अब सीनेट में हो रहा विरोध। जी दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका में इजराइल को सहायता देने को लेकर बवाल मच गया है, जहां अमेरिका के हाउस ऑफ कॉमन्स यानी सदन में इजराइल की सहायता के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया, वहीं उसके सीनेट में इस विधेयक के खिलाफ जमकर बयानबाजी हुई। अमेरिकी सदन ने हमास के साथ चल रहे युद्ध के बीच इजराइल को 3.14 अरब डॉलर की सहायता देने के लिए गुरुवार को एक विधेयक पारित किया। हालांकि इस कदम के बाद डेमोक्रेटिक सांसदों के साथ टकराव होने की उम्मीद है। हाल ही में माइक जॉनसन को सीनेट का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सीनेट में बहुमत के नेता चक सूमर ने हाउस जीओपी विधेयक को बहुत ही गलत प्रस्ताव करार दिया है। उन्होंने कहा कि सीनेट इस पर विचार नहीं करेगी और किसी भी कीमत पर अमेरिका इजराइल को सहायता ना दे, क्योंकि इसी सहायता के बल पर इजराइल फिलिस्तीनियों का कत्लेआम कर रहा है और गलत कार्रवाई कर रहा है और युद्ध को नहीं रोक रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की हत्या के आरोपी की पैरवी करेंगे न्याय मित्र, 17 नंबर को होगी सुनवाई। जहाँ दोस्तों आपको बता दें कि अतीक अहमद और उनके भाई अशरफ की हत्या के आरोपी सनी की पैरवी न्याय मित्र रत्नेश कुमार शुक्ला करेंगे। जिला जज की ओर से मामले की सुनवाई के दौरान ये नियुक्ति की गई है। जिला जज ने इसके पहले आरोपियों को कैसी की सुनवाई के दौरान उनका पक्ष रखने के लिए अधिवक्ता नियुक्त करने का आदेश दिया था। लवलेश
तिवारी अरुण मौर्य ने अपना पक्ष रखने के लिए अधिवक्ता गौरव सिंह को नियुक्त कर लिया था, लेकिन सनी की ओर से कोई उपस्थिति नहीं हो सका। इस पर जिला जज ने सनी का पक्ष रखने के लिए न्याय मित्र नियुक्त कर दिया है। इसके बाद मामले में आरोप तय करने के लिए 17 नवंबर की तिथि नियुक्त कर दी गई है। इसके पहले शुक्रवार को मामले की सुनवाई शुरू होते ही तीनों आरोपी सनी, लवलेश तिवारी, अरुण मौर्य जारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोर्ट के सामने उपस्थित हुए। लवलेश तिवारी और अरुण मौर्य की पहले के लिए उनके देवता की पुकार की गई है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों।